मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS ताऊनगर। स्टूडेंट, आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 12 यानी ISC का रिवीजन क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ। स्टूडेंट, अगर आप इसमें से 10 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स का ये जो इजाफा हो जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। स्टूडेंट, तो ये आपको याद कर लेना है। स्टूडेंट, ये कुछ नेम है राइटर्स और पोएट्स का और ए उनके द्वारा लिखा हुआ चैप्टर का। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज का जो राइटर है वो कौन है? पल्सबर्ग। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसकी जो राइटर है वो है डोरोथी एल सायर्स। इसके बाद है नेक्स्ट आई हैव अ ड्रीम। ए स्टूडेंट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आई हैव अ ड्रीम। और एक इसकी जो राइटर है वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। स्टूडेंट नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल एंटोन सेको। ये भी बहुत बार स्टूडेंट रिपीट कर ली गई है, इसलिए स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिस्ट, ए भी हर एक बार लगभग पूछा जा चुका है। स्टूडेंट ए आपके लिए मोस्ट है आपका द सोल्जर ए तो स्टूडेंट भूलना नहीं है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज से लेकर के आप प्रीवियस जितना साल का आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे सब में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट स्टूडेंट जॉन डन, और ए तो आप लोगों को पता होगा ए लव पोएट भी कहा जाता है, यानी ये एक ऐसा पोएट है जो इनको लव पोएट के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो कृति है स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो, ए भी आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ए 10 याद रखते हैं तो 5 नंबर आप कहीं चुकने नहीं जा रहे हैं। इस 10 में से कोई ना कोई 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। स्टूडेंट सो नाउ लुक एट अनदर O3 कौन कौन है। O3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे स्टूडेंट। सो नाउ लुक एट हियर, तो नाउ स्टूडेंट अब हम A3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ए आपका एग्जामिनेशन में आता ही आता है और ये 3 में से आपको तीनों याद रखना होगा, अदरवाइज आप 5 नंबर लेने से मिस कर जाओगे। स्टूडेंट डीएच लॉरेंस स्नैक डब्ल्यू स्टूडेंट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट और कमला दास द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेडी। ओके एंड इट्स पोएम इज हर पोएम वाज व्हाट माय ग्रीन मदर्स हाउस। ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आपको याद रखना ही रखना होगा। अदरवाइज वो 10 जो मैंने भी बताया उसमें से अगर कोई भी याद नहीं रखते हो तो आपका 5 नंबर चल जाएगा स्टूडेंट। सो अगर आप चाहते हो कि 5 में 5 लाए तो आपको ये 10 में से 10 आपको याद रखने होंगे और मैं वादा करता हूं कि आपको 5 लेने से कोई नहीं रोकेगा और आप एग्जाम में अपीयर होने के बाद जैसी आओगे तो कमेंट कर जरूर बताना कि 10 में आपका 5 आया या नहीं आया। स्टूडेंट जरूर कमेंट करना। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन को लेकर के। गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका था इसलिए इसकी सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड होगी।